अब जो है ये मेरे सारे काम जो है कंप्लीट हो गए हैं, घर का पूरा काम और मेरा जो अपना सब काम होता है साफ सफाई का कर चुकी हैं। और उसके बाद मैं अपना अब यहाँ पे टी टाइम है, मैं चाय पीकर उसके बाद कुछ स्टडी जो है उसको स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेरा स्टडी टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं कितने दिनों से मैं अपना स्टडी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हालांकि आप सभी को पता है कि मेरा एमसीए वाल का जो प्रॉब्लम था, मैं उसको करूँ कि ना करूँ, इस कन्फ्यूजन में मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम लॉस हो गया। और मैं पिछले आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो भी नहीं आ रही है, 10-15 दिनों से वीडियो भी नहीं आई है। एंड मैं अपना स्टडी ही नहीं कर रही थी तो वीडियो कैसे बनेगा, तो इसी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। बट फाइनली आज मैं अपना स्टडी सारा इसको साफ क्लियर कर रही हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं इसको पूरा साफ कर लेती हूँ। हालांकि मैंने यूपीएससी या फिर एमसीए कौन सा चूज़ किया है इसके बारे में अपने कभी लाइव वीडियो में आऊँगी तो आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो बट आज मेरा जो है वो स्टडी ब्लॉग आप लोग देखिए एंड कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड मैं अपना जो है अपना ये सारा स्टडी टेबल एंड ये सारे बुक्स जो है वो काफ़ी गंदे हो चुके हैं, इसको मैं साफ कर लेती हूँ, उसके बाद टेबल को सेट करती हूँ। अब ये टेबल जो है ये मेरा फाइनली सेट हो चुका है पढ़ने के लिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे पोल्टी पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि पोल्टी जो है अब मेरा ये लास्ट यूनिट बचा हुआ है। ये मेरे कुछ है जो मैं पढ़ चुकी हूँ, जैसे मुझे इंपॉर्टेंट लगा है तो मैं उसको हाईलाइट की हूँ। ये मेरे कुछ हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पढ़ चुकी हूँ उसको। और यहाँ पे मैं इसका लास्ट चैप्टर जो है उसको पढ़ रही हूँ। एंड इसको मैं जब तक पढ़ूंगी, मेरे जो पोल्ट्री पढ़ने का तरीका है मेरे लिए वो इस तरह है कि जैसे कि मैं बुक को ले लेती हूँ तो जब तब तक पढ़ती हूँ जब तक कि मुझे ये ना लगे कि हाँ अब ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, मतलब कि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब वहाँ पे मैं अपना ब्रेक ले लेती हूँ। लेकिन मेरा अब मैं कोई टाइमिंग अब फिक्स नहीं की हूँ कि इतने टाइम इतने, मैं एक पढ़ रही हूँ तो जब तक पढ़ूंगी जब तक वो मुझे अच्छे से लगे कि हाँ अब मुझे अभी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तब मैं वहाँ पे बुक को क्लोज करती हूँ और थोड़ा अपने माइंड को फ्री सेटअप। अपने माइंड को मैं थोड़ा फ्रेश करने के लिए बाहर घुमाती हूँ या फिर थोड़ा मोबाइल होता है उसको भी देख लेती हूँ। तो चलिए मैं इसको पढ़ लेती हूँ। We'll be right back.
एंड उसके बाद यदि मैं पढ़ते पढ़ते जैसे कि मुझे लगा कि हाँ अब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगता है कि अब कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए, तो घूमने के बावजूद भी यदि जैसे कि घर के बाहर थोड़ा घूमने के बाद गायों को देखने के बाद तो कुछ जैसे लगता है कि हाँ अब अभी भी मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, तो मैं क्या करती हूँ पढ़ाई की ही चीज़ है तो मैं अपना मोबाइल लेती हूँ और मोबाइल में मैं संसद टीवी जो है उसमें संविधान से रिलेटेड एंड डांडी यात्रा जो है उसमें मैं अपना सहयोग आंदोलन जो है ये सब चीजें जो होती हैं एक बार मैं उसको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ वीडियो उसमें होता है संसद टीवी में उसको मैं देख लेती हूँ, वॉच करती हूँ और वो देखने में भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें पूरी प्रैक्टिकली दिखाया गया होता है कि ऐसे यहाँ उस टाइम ऐसे रहा होगा, ऐसे होता होगा, या फिर संविधान हमारा जो आईन है ये कैसे बना, ये सब चीजें जो होती है मैं संसद टीवी में अपना चैनल है यूट्यूब पे उसको मैं देख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा पढ़ने का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है क्योंकि उसमें अपने आप में हम गांधी जी को देखते हैं, नेहरू जी को देखते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे राजनेता थे जिसे हम देखते हैं और हमें उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट अंदर से फील होने लगता है कि हाँ हाँ अब इसके आगे और चलिए पढ़िए। तो इससे डेफिनेटली मेरा जो है वो मूड बन जाता है पढ़ने का, तो मैं पढ़ने के लिए रेडी हो जाती हूँ। आउट ऑफ ब्रेक टाइम अब मैं यहाँ पे अपने प्रैक्टिस सेट है जो उसको थोड़ा कर लेती हूँ कि जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है थोड़ा बहुत ही कह सकते जब तक पूरी पूरी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको थोड़ा ही कहेंगे। तो मैं